दोस्तों, आजकल नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति को यानी कि हिंदू संस्कृति को गाली देने का फैशन बन गया है। हमारे कर्मकांड और त्योहारों के पीछे का विज्ञान जाने बिना ही लोग उसे नज़रअंदाज या गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको गर्व होगा कि हम हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति का सम्मान करना शुरू कर देंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे जिन्होंने हमारे फायदे के लिए ये रीति रिवाज बनाए हैं। श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के बारे में ऐसा माना जाता है, उस दिन पाताल के बलि राजा को हाथ पर लक्ष्मी जी ने राखी बांधकर उन्होंने अपना भाई बनाया था और नारायण को मुक्त करवाया था। हजारों सालों से चला आ रहा रक्षाबंधन कोई आम बात नहीं है। बहन भाई को राखी बांधती है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान माना जाता है। उस दिन वातावरण में यम तरंगे यानी कि नेगेटिव वेव्स ज़्यादा होती है और वो पुरुषों यानी कि मेल पर ज़्यादा इफेक्ट करती है और ये वेव्स पुरुषों में सूर्य नाड़ी के माध्यम से प्रवेश करती है जो उनकी कलाई पर होती है और उसके कारण उनकी बॉडी में रजोगुण और तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये वेव्स की मात्रा बॉडी में 30% से ज़्यादा बढ़ने से उनको प्राणों का खतरा रहता है। इसलिए पुरुषों में रहा हुआ शिव तत्व को जागृत करके उनकी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाता है और इसी सुषुम्ना नाड़ी यानी कि कलाई पर राखी बांधी जाती है। दोस्तों, आज के ज़माने में हम बाज़ार से राखी खरीद कर ले आते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में राखी वैज्ञानिक आधारों पर बनाई जाती थी, जैसे कि चावल, सोना यानी कि गोल्ड और वाइट सरसों यानी कि मस्टर्ड। इन तीनों को एक छोटी पोटली में बांधकर रेशमी धागों से राखी बांधी जाती थी। इन तीनों में से चावल ऐसे तरंगों का आदान प्रदान करने वाला माना जाता है। रेशमी धागा हमारी बॉडी में पॉजिटिव तरंगों को प्रसारित करने के लिए माना जाता है और ऐसी पोटली बांधने से हमारी बॉडी में रजोगुण और तमोगुण की मात्रा कम होती है। इस दृष्टि से भारतीय परंपरा की ये राखी पूरी तरह वैज्ञानिक यानी कि तथ्यपूर्ण है। नवरात्रि का सीधा अर्थ होता है नव शुभ रात्रि और नवरात्रि साल में दो बार आती है। पहली बार गर्मियों से पहले यानी कि चैत्र माह में और दूसरी बार आती है शरद ऋतु में यानी कि सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नवरात्रि मौसम के बदलाव के वक्त आती है, यानी कि आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन काल को संधि काल के नाम से बताया गया है और इस ऋतु में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति काफ़ी कम होती है। इसके चलते बॉडी में इन्फेक्शन होना या बुखार जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी समस्या से बचने के लिए फास्टिंग करना यानी कि उपवास या व्रत रखना एक बहुत ही असरदार तरीका होता है। अगर उपवास नहीं रखते तो भी घर में सलाह दी जाती है कि कम से कम भोजन खाया जाए और हल्का भोजन खाया जाए। नवरात्रि के 9 दिन उपवास करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और आयुर्वेद या मॉडर्न साइंस दोनों ही फास्टिंग यानी कि उपवास के फायदे को मानते ही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऋषि मुनियों ने इन तीनों को साधना के लिए उच्चतम बताया गया है। इसके अलावा नवरात्रि में सबसे ज़्यादा गरबा या रास खेला जाता है और वो भी रात को। अगर देखा जाए तो इस ऋतु में कफ बिगड़ा हुआ रहता है, इसके कारण हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर रहती है। ऐसे में रात को जागना और शारीरिक प्रवृत्ति करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसके लिए रास या गरबा खेलना बहुत ही फायदेमंद होता है। पीपल का पेड़ दिन भर ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है। महिलाओं की मासिक संबंधी समस्याओं और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में महिलाओं के लिए कई दवाइयां में पीपल के पेड़ का प्रयोग करने के लिए कहा गया है और आपने ये भी सुना होगा कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि पेड़ बड़ा होता है और वो रात को भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर रात को पीपल के पेड़ के नीचे कोई सोता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना रहती है। हिंदू संस्कृति में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी एक असरदार एंटीबायोटिक है। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाती है, मच्छर माखी दूर रखती है और सांप को भी दूर रखती है। तुलसी के पौधे के पास बैठने से हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है।
और मॉडर्न साइंस भी इसके बेनिफिट्स को मानने लगी है। दोस्तों, हमारी प्राचीन सुंदरता के सामने आज की सुंदरता तो कुछ नहीं है। 100% आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जाता था, जो महिलाओं की स्किन के लिए एक मेडिसिन का काम करता था। सोने के गहने पहनना कोई स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नथड़ी, हाथों में कंगन, कान की बालियां एक ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं जिससे महिलाओं का मासिक धर्म संतुलित रहता है और उनके हॉर्मोन्स भी बैलेंस ही रहते हैं। इसके अलावा शादी के समय दूल्हा दुल्हन मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि मेहंदी की प्रकृति आयुर्वेद के अनुसार ठंडी होती है और शादी के समय वो शरीर में बॉडी को कंट्रोल करती है। दोस्तों, आपको कोई भी मंदिर या तीर्थ स्थानों पर पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग जरूर आती होगी, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है। इसलिए वहाँ पर नंगे पांव चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पैरों से ऐसी एनर्जी को खींचा जा सकता है। तिलक दोनों भावों के बीच में लगाया जाता है। तिलक लगाने से हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होती है और उसे एकाग्रता में भी लाभ मिलता है। चंदन, हल्दी और केसर का तिलक आज्ञा चक्र के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए स्त्रियां भी बिंदी भी आज्ञा चक्र पे ही लगाती हैं। पहली नज़र से देखा जाए तो लगेगा कि ये फालतू कर्मकांड से सिर्फ पॉल्यूशन ही होता है, हालांकि बात बिल्कुल अलग है। वैदिक काल से ही यज्ञ वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है और इसी तरह घर में घी के दिए और धूपबत्ती भी जलाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्मकांड है जिसके पीछे गहरा भाव छुपा हुआ होता है, जैसे कि भगवान को जब हम नारियल फोड़ते हैं तब हमारा मस्तक उनको अर्पण करते हैं, यानी कि हमारे अहम भाव को दूर करने का कार्य करता है। कमल के फूल को पूजा में इस्तेमाल करने का एक खास कारण है। कमल कादव कीचड़ से पैदा होता है और ये उस स्थित प्रज्ञ इंसान का प्रतीक माना गया है जो सुख दुख में संभाव रखता है। और दोस्तों, जब कपूर जलाते हैं तो कपूर जल जाने पर उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ता है सिवाय कि उनकी खुशबू, और कपूर जलने से वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे कर्मकांड को अनुसरण करने से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। उत्तर दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, ये बात आपने जरूर सुनी होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसके नॉर्थ छोर और साउथ छोर है। अगर हम 7-8 घंटे नॉर्थ छोर की ओर सिर रखकर सोते हैं तो हमारे ब्रेन के ऊपर चुंबकीय दबाव बढ़ता है और कई बार हम महसूस करते हैं कि अच्छा खासा सोने से भी हमें नींद पूरी होने का एहसास नहीं होता। इसलिए नॉर्थ में सिर रखकर सोने से बुरे सपने आए या ना आए, लेकिन आपकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट में सिर रखकर सोने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। भोजन के पहले प्रार्थना करना कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जमीन पर आसन लगा के सुखासन में बैठ के खाना खाना चाहिए, उससे बॉडी में भोजन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले प्रार्थना करना सबसे महत्व का काम है, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा दिमाग शांत होता है और आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमेशा शांत मन से ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम हमारी संस्कृति को अच्छे से जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में जो भी कर्मकांड, मान्यताएं या त्योहारें बताए गए हैं वो सभी के सभी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए ओज अमृतम चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें।